बस्ती जिले के दुबौलिया थाना के कनघुसरा गांव में बीते 29 मार्च को विकास चौधरी नाम के युवक का शव नहर में मिला था। पुलिस ने घटना का खुलासा करते हुए मृतक की प्रेमिका और प्रेमिका के प्रेमी कुलवेंद्र को अरेस्ट किया है। पकड़े गए अभियुक्तों से पूछताछ के बाद हैरान करने वाला खुलासा हुआ है। आपको बता दें, मृतक विकास का गांव की ही एक लड़की से काफी समय से प्रेम प्रसंग चल रहा था। दोनों का प्रेम परवान चढ़ने लगा। धीरे धीरे दोनों के बीच प्यार में कड़वाहट आने लगी और इन्हीं बातों का फायदा उठाकर दूसरे प्रेमी कुलवेंद्र ने बीच में एंट्री मारी। अब लड़की का झुकाव दूसरे प्रेमी की तरफ ज्यादा हो गया। लड़की ने पहले प्रेमी से मिलना जुलना बंद कर दिया, जिसके बाद विकास ने लड़की को ब्लैकमेल करने लगा। विकास ने पहले से लड़की की अश्लील वीडियो, फोटो और ऑडियो क्लिप बनाकर रखा था। अब विकास जबरन लड़की को धमकी देकर बुलाने लगा। न आने पर वीडियो फोटो वायरल करने की धमकी देने लगा। लड़की के घर वालों की मोबाइल पर वीडियो भेजने की धमकी देकर लड़की को अपने पास बुलाकर शोषण करने लगा। 29 मार्च की रात को जब विकास ने लड़की को अकेले में बुलाया तो लड़की परेशान होकर अपने दूसरे प्रेमी कुलवेंद्र को फोन करके बुला ली। उसी दौरान कुलवेंद्र और लड़की ने विकास का गला दबाकर मौत के घाट उतार दिया और शव को नहर में छोड़कर फरार हो गए। एएसपी दीपेंद्र चौधरी ने बताया कि जब युवक का शव मिला तो मृतक के परिजनों की तहरीर पर गांव की एक लड़की और उसके परिजनों पर मुकदमा दर्ज किया गया। शव का पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गला घोटकर हत्या का मामला सामने आया, जिसके बाद थाना दुबौलिया एसओजी और सर्विलांस टीम लगाई गई। पुलिस की जांच में हत्या का खुलासा हुआ। पकड़ी गई लड़की और युवक के खिलाफ धारा 302 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। बस्ती से जयप्रकाश यादव की रिपोर्ट। 29/3/2023 को ग्राम कनघुसरा थाना दुबौलिया में विकास चौधरी नामक एक व्यक्ति की डेड बॉडी गांव में सूखी नहर में प्राप्त हुई थी। शव के पोस्टमार्टम से इसमें एंटीमार्टम थ्रोटलिंग उसमें काज ऑफ डेथ आया। इस प्रकार से ये पुष्टि हुई कि इसकी हत्या की गई। इसमें एक FIR पोस्टमार्टम बाद 30 तारीख को उनके परिजनों ने दी और इसमें एक गांव की ही लड़की उसके ऊपर और उसके परिजनों के ऊपर एक FIR दर्ज कराई गई। जब इस केस में विवेचना शुरू हुई तो यह तथ्य प्रकाश में आया कि गाँव की ही एक लड़की से विकास चौधरी के अवैध संबंध थे और कुछ दिन तक उसके संबंध चले। बाद में इस लड़के ने उस लड़की के कुछ आपत्तिजनक वीडियो और वॉइस मैसेज रिकॉर्ड कर लिए थे और उसी से उसको ब्लैकमेल करता था। घटना वाले दिन भी उसने उसको ब्लैकमेल करके वहाँ बुलाया। लड़की मना कर रही थी लेकिन उसने ये बात बताई कि अगर तुम यहाँ नहीं आओगे तो ये वीडियो और वॉइस मैसेज हम तुम्हारे परिवार वालों को दे देंगे। इस प्रेशर में लड़की वहाँ आई थी और इसी बीच में उस विकास चौधरी से लड़की के संबंध खराब हो गए थे और गांव के ही एक अन्य लड़के कुलविंदर से उसके संबंध डेवलप हो गए थे। जब लड़की वहां गई और विकास भी आए, इस बीच में लड़की ने एक फ़ोन कुलविंदर को भी कर दिया और कुलविंदर भी मौके पे आ गया था। फिर वहीं पर दोनों में कुछ विवाद हुआ और लड़की ने और कुलविंदर ने मिल करके इसकी गला दबा करके हत्या कर दी। वॉचिंग दिस वीडियो। टेलीविजन दुनिया की छोटी बड़ी न्यूज के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो कमेंट, लाइक जरूर करना। फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में।